तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर। सहारा कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश जारी किया गया है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा और वो संदेश आपके पैसों को लेकर है। दोस्तों, कमांड कार्यालय सहारा इंडिया भवन एक कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ भारत, लखनऊ के द्वारा सहारा इंडिया का जो हेड ऑफिस है उसके द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है। उस प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपका पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। सहारा का कहना है कि आप शांति बनाए रखें, संयम से सोचें, किसी कानूनी सलाहकार का साथ लें। दोस्तों, सहारा क्या कह रही है आइए आपको बताता हूँ। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारी स्थिति को शांति से समझें और धैर्य से हमारा साथ दें। पुलिस अदालत या अन्यत्र कहीं आपकी शिकायतों अथवा आपके प्रदर्शन आंदोलनों के कारण सरकार कार्रवाई करती है तो वह मजबूरन कंपनी के प्रबंधन को भंग कर देगी और सरकारी प्रबंधन के रूप में कोई परिसमापक यानी कि लिक्विडेटर बिठा देगी, यानी कोई बिचौलिया बिठा देगी। अगर सहारा प्रशासन को हटाया गया तो सबके लिए बहुत ही विनाशकारी बात होगी। सहारा प्रशासन बना रहा तो सबका भुगतान होगा, अन्यथा आपका पैसा कहां से मिलेगा, कैसे, कब मिलेगा, कौन देगा। इतिहास बताता है कि जब भी किसी फाइनेंस कंपनी सोसाइटी को परिसमापक लिक्विडेटर के अधीन किया गया है तो निवेशक दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, यहाँ तक कि उनका एक भी पैसा बीसों वर्ष बाद या बाद के वर्षों में लिक्विडेटर बैठाने के बाद भी उनको नहीं मिला है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊँ तो गोल्डन फॉरेस्ट, पीएसएल, पाकल, आदर्श सोसाइटी एवं अन्य, अर्थात आपका सिर्फ नुकसान ही हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ठंडे मन से विचार करें और किसी अच्छे कानूनी जानकार के साथ विचार विमर्श करें और संयम से काम लें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहारा आपका सारा भुगतान करेगा। भुगतान में एक साल या उससे अधिक का समय भले ही लग सकता है, लेकिन भुगतान सहारा को ही करना है, सहारा ही करेगा। देश की कोई भी अन्य संस्था या किसी भी अन्य प्रक्रिया से भुगतान मिलना संभव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी के भड़कावे में आकर ऐसी स्थिति ना पैदा होने दें जिससे भुगतान के सारे रास्ते ही बंद हो जाएं। आप इस समूची स्थिति को समझें, सहारा का साथ दें और पूर्ण शांति बनाए रखें। आपके हितों के लिए प्रतिबद्ध सहारा प्रबंधन देश के सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष के साथ और भी तरीकों से निरंतर प्रयत्नशील है। तो दोस्तों, ये सहारा इंडिया के कमांड कार्यालय हेड ऑफिस लखनऊ के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप शांत मन से बैठे रहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी मैच्योरिटी पूरी हो गई है तो आप किसी कानूनी सलाहकार से जरूर संपर्क करें या अपने नज़दीकी सहारा ऑफिस में जरूर जाकर बात करें। तो दोस्तों, आखिर इन्होंने क्या कहा है सीआरसीएस पोर्टल के बारे में, इस चीज़ को मैंने इस वीडियो में आपको बताया। दोस्तों, आपका क्या राय है, आपके क्या सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको ठंडे रूप से बैठे रहना है या फिर सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन करके सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लाभ लेना है। निवेदन करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।